सबसे पहले हम बात करते हैं तलाक बिदत यानी कि ट्रिपल तलाक की। इसमें पति किसी भी जगह और किसी भी समय अपनी पत्नी को 3 बार तलाक 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 कहकर तलाक दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने तलाक बिदत यानी ट्रिपल तलाक में 3 बार कहकर लिखकर SMS या WhatsApp के जरिए तलाक देने को गैरकानूनी बता चुका है। भारत में इसे बैन कर दिया गया है। 1 अगस्त 2019 के बाद ऐसा करना गैर जमानती अपराध है और ऐसा करने पर 3 साल की जेल और जुर्माना देना होता है। अब बात करेंगे हम तलाक हसन की। दरअसल अभी हाल ही में बेनजीर नाम की एक मुस्लिम महिला ने तलाक हसन और एक तरफा न्यायतर तलाक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है, जिसमें उसने कहा है कि सभी नागरिकों के लिए तलाक के समान आधार और प्रक्रिया होनी चाहिए। तलाक हसन में 3 महीनों में हर महीने में 1 बार तलाक कहना होता है। 3रे महीने में 3री बार तलाक कहने पर तलाक मान लिया जाता है और 3रे महीने में 3री बार तलाक कहने से पहले तक शादी पूरी तरह से लागू होती है। इसमें महिला ने कोर्ट को यह भी बताया कि 19 अप्रैल को उसके पति ने तलाक हसन के तहत पहला और 20 मई को दूसरा नोटिस जारी किया। अगर कोर्ट ने इसमें दखल नहीं किया तो 20 जून तक तलाक की कार्यवाही कंप्लीट हो जाएगी। बात करते हैं तलाक हसन की। इसमें 3 महीनों के अंदर तलाक दिया जाता है। इसमें 1 बार तलाक कहने के बाद में पति पत्नी को 3 महीने तक एक ही छत के नीचे रहना होता है। अगर 3 महीने के अंदर इन दोनों के बीच में सहमति बन जाती है तो तलाक नहीं होता है और अगर सहमति नहीं बनती है तो तलाक हो जाता है। इस वीडियो में आज इतना ही। इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।